तो hey, what's up guys? It's IDSG here back with another video and आज की इस वीडियो में guys हम दोबारा वंदे भारत चलाने वाले, मतलब इससे जो पहले वाली वीडियो थी वो भी वंदे भारत पे थी एंड आज की इस वीडियो में भी हम वंदे भारत चलाने वाले हैं। बाकी यहाँ से हमें डिपार्ट करना है 12:06 पर। भाई निकल जाएंगे यार, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गाइस हमें, जैसे हम एकदम नौसिखिया लोको पायलट है। और चलो कोई ना गाइस, आज की वीडियो में हम जो वंदे भारत चलाने वाले हैं वो है विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल अभी हम हैं वारंगल स्टेशन पे और मुझे नहीं पता यहाँ पर इसका हॉल्ट वगैरह होता है या फिर नहीं। बाकी लुक देखो यार, क्या चमचमा रही है। और सामने में अपने को पीला सिग्नल दे रखा है। अच्छा यहाँ गाइस उतना ही नहीं, देखो एकदम मतलब चुपके चुपके से बैच 7 के साथ में किसी ट्रेन ने एंट्री मार दी है। तो ये रहने वाली है 22647 कोरबा से कुचुविली को जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और बैच 7 यार क्या हालचाल तुम्हारे, हमारी वंदे भारत से मिलकर नहीं जाओगे क्या? अरे लग रहा है मूड अच्छा नहीं है। नहीं है गाइस, देखो चला गया भाई साइड से, ध्यान भी नहीं दिया उसने वंदे भारत पे। बाकी गाइस मजाक से हटके यार कोचेस देखो जरा, क्या चमचमा रहे है ना। एक तो भाई जो सनलाइट पड़ रही है ना, मजा आ रहा है देखने में। बाकी यार अपनी वंदे भारत तो अलग ही लग रही है गाइस, क्या लुक है यार। अभी जब चलाएंगे ना गाइस तब तुम देखना। बाय द वे अभी यहाँ पर पेंटोग्राफ को हम रेस करते हैं। ये देखो भाई वंदे भारत का पेंटोग्राफ हमने रेस कर दिया है और अब बारी आती है इसे निकलवाने की, क्योंकि ऑलरेडी गाइस अपना टाइम हो रखा है यार, तो ज्यादा डिले हम नहीं करते हैं। और चलो मैं हॉर्न बजाता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी येलो सिग्नल मिल रखा है और हमने भी यहाँ से डिपार्ट कर दिया है। ये देखो साउंड देख रहे हो जरा एक्सेलरेशन का। भाई तगड़ा हो रखा है ना गाइस साउंड एक्सेलरेशन का, मजा आएगा भाई आज की जर्नी में। बाय द वे गाइस, मतलब सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो वंदे भारत की यार उस पर आप लोगों ने भाई बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो भाई दिल से शुक्रिया आप लोगों को। बाकी यार वो ट्रेन देख रहे हो, अभी तक उसने अराइवल अपना कंप्लीट नहीं किया है। वेल अपना यहाँ पर ट्रैक चेंज भी करवाया जा रहा है, मेन लाइन पर शिफ्ट करवा रहे हैं भाई अपने को। गाइस एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब अभी आज के टाइम पे इंडिया में कितनी वंदे भारत ऑपरेट हो रही हैं जरा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है भाई आंसर जरूर देना, देख लो गाइस। अच्छा गाइस यहाँ पर देखो ये कितने ढेर सारे व्हीकल्स चल रहे हैं अपने साथ में। ये देखो यार ये तो भाई फायदा उठा रहे हैं गाइस, अभी अपनी रफ्तार धीमे है, अगर तेज होती ना तब हम इनको बताते। बट यहाँ पर हमें थोड़ी अच्छी खासी स्पीड मिल चुकी है गाइस, तो चलो एक्सेलरेशन करते हैं और इनको दिखाते हैं कि वंदे भारत क्या चीज है। वैसे साइड के ट्रैक का सिग्नल येलो है और ट्रैक चेंज का सिंबल भी है, तो बहुत ही जल्द कोई ट्रेन आ सकती है। ये देखो गाइस ये बस भी हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, अभी तक हम स्लो थे ना, तो वो भी सोच रही थी यार फायदा उठा लूं, बट वंदे भारत ने उसके उसको भाई औकात दिखा दी। चलो गाइस यहाँ पर अपना बदला हम सबसे लेते हैं, जस्ट रिवेंज यार इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेना जरूर चाहिए। अच्छा यहाँ पर लगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है। इस बार है बैच 7 के साथ में, वो भाई मेरा कैमरा ही घूम गया। तो गाइस ये हजरत निजामुद्दीन से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस जो कि डिले चल रही है यार। दुरंतो का भी हाल देख रहे हो गाइस, बहुत बुरा है भाई, बहुत ज्यादा बुरा, बेचारे इसको भी डिले करवा दिया। बट हम अपनी वंदे भारत को तो नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए गाइस आप लोग। और बाकी ये खूबसूरत सा कर्व देखो, अभी हम काजीपेट की तरफ टर्न ले रहे हैं। एक तो ना गाइस यहाँ पर स्पीड लिमिट का बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो मुझे यहाँ पर ब्रेक्स भी अप्लाई करना पड़ रहा है टाइम टाइम पे।
गाइस मैं रिवेंज लेने की बात कर रहा था गेम में भाई, रियल वर्ल्ड में भाई छोड़ो यार। ओ भाई क्या तो कर रहे गाइस, ऊपर से जो अपनी वंदे भारत चमचमा रही है, मजा आ रहा है भाई। वैसे गाइस वंदे भारत बनाया है ब्रिजेंद्र सर ने, और आपको ये मिल जाएगा indiantrainsim.com की वेबसाइट पर, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो भाई। अभी तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी आ रहा है गाइस, तो हैवी डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर हम काजीपेट जंक्शन को स्किप मार रहे हैं, और रफ्तार देखो भाई अंडर 20 के स्पीड लिमिट में हमें रखने को बोला है। बाकी यहाँ पर एक वैगनाइन भी खड़ा हुआ है हमारे साइड में। आज कितना स्लोली हम यार स्किप कर रहे हैं काजीपेट को। थैंक गॉड यार इस वंदे भारत के डोर जो है वो क्लोज रहते हैं, वरना तो पैसेंजर भाई इतनी स्पीड में चढ़ जाते हैं इस ट्रेन में। बाकी यहाँ पर अभी अपने को दोबारा से ट्रैक चेंज करवाने को बोला गया है। कोई ना गाइस, वैसे गाइस आप लोगों ने कभी भी वंदे भारत में ट्रैवल किया है यार बताना जरूर, ठीक है मुझे भी सुनकर अच्छा लगता है। ये देखो यार ट्रैक चेंज का सीन, और गाइस अभी तो ये वंदे भारत का फाइनल वर्जन भी नहीं, सोचो यार जब इसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ आ जाएगा तब कितना मजा आने वाला है इसे चलाने में। अच्छा यहाँ पर लगता है गाइस फिर से कोई ट्रेन आ रही है, तो हम भी हॉर्न बजाकर बता देते कि सामने से आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। टॉर तो है भाई, और ये रहने वाली है वेब 7 के साथ में, ये रहने वाले 18504 SNXI, ये कहाँ का कोड है, विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस, ये भी डीले चल रही है यार। यार मतलब आज यहाँ पर इस सेक्शन में सारी ट्रेनों के बहुत हालात खराब है गाइस। अभी दुरुद्धो गई थी वो भी डीले थी, और अब ये भी डीले है। वैसे गाइस ये SNXI ये कहाँ का कोड है बताना जरूर, ठीक है। और बाकी गाइस यहाँ पर अभी हम एक स्टेशन को स्किप मार रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक मालगाड़ी को धूल चटाते हुए ओवरटेक कर रहे हैं। ओ भाई 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 इसे कहते हैं प्रियोरिटी। बस मजा आ रहा है भाई, अभी तो ये पहला ओवरटेक है, बस आगे आगे देखना आप लोग। ओ भाई डुअल वैगनाइन, चलो भाई अपनी ट्रेन को हम दोबारा से पकड़ लेते हैं। ओ भाई रफ्तार देख रहे हो गाइस, और यहाँ पर क्रॉसिंग भी चल रहा है डुअल वैगनाइन के साथ में किसी टैंकर वाली ट्रेन का। गाइस अभी हमें बोला गया है कि तुम्हें 100 km/h का स्पीड लिमिट मेंटेन करना है, अभी 130 पर नहीं जा सकते। अच्छा यहाँ पर साइडिंग में कोई मालगाड़ी खड़ी है, हाँ गाइस यहाँ पर हम किसी साइडिंग को भी स्किप मार रहे हैं। क्या फोन है गाइस। अच्छा है गाइस यहाँ पर सामने से अगेन कोई ट्रेन आ रही है, इस बार है वेब 7 के साथ में, ये रहने वाले यशवंतपुर से गोरखपुर को जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस फुली LHB5। भाई मचार ये भी ट्रेन, रफ्तार देखो जरा उसकी, दोनों ही ट्रेनें अच्छी खासी रफ्तार में गाइस। अपनी वंदे भारत तो है ही टॉप नॉच स्पीड में, बट वो ट्रेन भी कुछ कम नहीं थी। मज़ा आ गया इस क्रॉसिंग में भाई, जब दोनों ट्रेन हाई स्पीड में होती है ना गाइस वो वाले क्रॉसिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है।
और यहाँ पर अभी अभी हमने किसी स्टेशन को भी स्किप मारा है फुल हॉन्किंग के साथ में। ओ भाई मेंटेन 130 kmph नाउ, अब आएगा असली मजा, इसी का तो वेट था मुझे। अरे गाइस यहाँ पर जल्दी से एक्सेलरेट करना पड़ेगा अगेन हमें। देखो गाइस यहाँ पर साइड में कोई हाईवे वगैरह लग रहा है मुझे, जिस पर कि बहुत ही देर भरी बसें जा रही हैं, और इनको तो भाई हम ऐसे ओवरटेक करेंगे ना कि इनको पता भी नहीं चलेगा कब आई ट्रेन और कब चली गई। ये देखो भाई, वैसे अभी तो अपना स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, अगर होता गाइस तब तो भाई इनको पता नहीं लगना था। वेल यहाँ पर क्रॉसिंग भी चल रहा है डुअल वैग 9 के साथ में किसी बीसीएनए वाली ट्रेन का। और भाई बहुत लोग कहते हैं भाई तुम हॉर्न बहुत बजाते हो, क्या करूँ यार आदत से मजबूर हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है हॉर्न बजाना। देखो गाइस यहाँ पर अगेन हम किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और साथ ही साथ अगेन किसी मालगाड़ी को ओवरटेक मार रहे हैं। भाई आग लगा रही है आज तो वंदे भारत। देखो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं टाइम से पहले सिकंदराबाद पर अपनी ट्रेन को पहुंचा दूं। डुअल वैग नहीं लग रखा है इसको भी। ओ भाई भाई भाई, ये देखो यार इसको हमने फाइनली ओवरटेक मार दिया है। और चलो गाइस अभी हम अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं दोबारा से। और यहाँ पर गाइस फिर से किसी ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है, इस बार है डुअल वैग 7 के साथ में अगेन कोई मालगाड़ी। ओ भाई देख रहे हो गाइस मजा आ रहा है भाई, ओवरटेक भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ क्रॉसिंग है, और अपना ओवरटेक का तो भाई चांस ही नहीं है बिल्कुल, इतना सा भी नहीं। अच्छा यहाँ पर अगेन क्रॉसिंग चल रहा है गाइस फिर से किसी टैंकर वाली ट्रेन का, और शायद से वैग 9 इसे हॉल कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। वेल गाइस यहाँ पर हम अगेन किसी स्टेशन को स्किप मारने वाले हैं, और सूत्रों से मुझे पता चला है कि यहाँ पर अगेन हम किसी ट्रेन को ओवरटेक मारने वाले हैं। ये देखो यार अगेन किसी फ्रेट ट्रेन को, यार मतलब भाई आज तो मालगाड़ी से हमने सारा बदल लिया, जितनी भी वीडियो में मुझे मालगाड़ी ने ओवरटेक मारा है ना देख लो भाई सबका हिसाब मैं ले रहा हूँ भाई। भाई दिन सबका आता है देख लो, तब हमारा वक्त खराब चल रहा था और अभी देखो गाइस बैक टू बैक ओवरटेक मार रहे हैं, और इसके भी डुअल वैग 9 लग रखे हैं। भाई 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 मजा आया गाइस इस ओवरटेक में भी, भाई क्या चमचमा रहा था वैग 9। अच्छा गाइस यहां पर फिर से क्रॉसिंग चल रहा है, इस बार है वैग 7 के साथ में। ओ भाई 17202 गोलकोंडा एक्सप्रेस, और भाई ये देखो यार ब्रिज पे क्रॉसिंग हो जाता है ना, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस होता है गाइस ये देखने का। देखो आज की स्पीडो में ये भी सीन देख लो भाई, कितना मस्त सीन था ना गाइस, भाई मजा आ गया गाइस। देखो यार ये वाला सीन तो यार बहुत ही ज्यादा ओपी था। अच्छा यहाँ पर गाइस एक और ओवरटेक कर रहे हैं, और थैंक गॉड इस बार मालगाड़ी नहीं है, इस बार किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक हम कर रहे हैं। भाई फुल एलएचबी फाइट है गाइस, हॉन्किंग के साथ यार ओवरटेक करने का मजा ही दोगुना है गाइस। वैग 7 टाटा बाय बाय, कल आना कल, आज टाइम नहीं है। तो गाइस ये SSM SC वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आई थिंक ये शालीमार है शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शालीमार से सिकंदराबाद को जाने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हमने बता दिया कि वंदे भारत किसे कहते हैं, वो समझ गई होगी गाइस क्योंकि ओवरटेक किया ना हमने। और उतना ही नहीं यहाँ पर आगे एक और स्टेशन पर हम किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, यार मतलब ओवरटेक पे ओवरटेक। अच्छा यहाँ पर गाइस साथ ही साथ क्रॉसिंग भी चल रहा है, इस बार डुअल वैग 9 के साथ में। भाई पूरी खाली है यार, मतलब चला क्यों रहे हो फिर,
पूरी खाली थी गाइस, वो बॉक्स एंड फ्रेम भाई, वो एम ही चल रही है। वेल गाइस, यहाँ पर अगेन हम किसी स्टेशन को मारने वाला स्किप, और ये वाला जरा व्यू देखो यार, मतलब ऐसे क्या टर्न लेते हुए आ रही है भाई ट्रेन यार, ये व्यू काफी ज्यादा अच्छा लगता है गाइस। अगर दूर से आप लोग देखो ना, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। आ जा वंदे भारत, ये देखो भाई हॉक मारते हुए आ रही है। ओ भाई तरफ बैकग्राउंड में देखो यार, पहाड़ का लुक दे रहा है अपनी ट्रेन को। ये वाला क्रॉसिंग तो ओपी था, और ये वाला भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर हम पता नहीं किसके घर में चढ़े हैं, अब पता नहीं गाइस भाई, बट मैं आ गया हूँ, अब वो मुझे मारने ना लगे क्योंकि मैं बिना परमिशन के आया हूँ उनकी छत पे। और यहाँ पर हम वंदे भारत को भाई कैप्चर कर रहे हैं। ओ भाई गाइस गाइस, क्या लुक है यार वंदे भारत का अपनी। अच्छा यहाँ पर सामने से कोई ट्रेन आ रही है वह 7 के साथ में। तो गाइस ये है सिकंदराबाद से निजामुद्दीन को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। अरे इसका योजी भाई उल्टा लगाया है गाइस, मतलब कंसिस रिप्लेस करते वक्त शायद से मेरी गलती हो गई थी गाइस मेरे से, बस उसको आप लोग इग्नोर कर लेना। बाकी गाइस यहाँ पर अब हम मौला अली स्टेशन को मारने वाले स्किप, और भाई ये खूबसूरत सा कर्व देखो यार, क्या ले रही है भाई अपनी ट्रेन भाई, भाई भाई जो कर्व लेकर आई है ना गाइस, मतलब उस सीन ने मेरा दिल जीत लिया भाई, एकदम बढ़िया वाला सीन था गाइस, वो मजा आ गया भाई वो सीन देख के। और अब तो गाइस हम सीधा जाकर सिकंदराबाद पर रोकने वाले हैं ट्रेन को। बाकी गाइस यहाँ पर एक और कर्व ले रहे हैं हम, ये देखो भाई क्या रियल लग रहा है गाइस, भाई ऐसा लग ही नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। गाइस रियल वक्त की यही तो बात है यार, इतने ग्राफिक्स ना बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। वाह भाई देखो जरा गाइस बाहर से जरा लुक देखो अपनी ट्रेन का। गाइस आई डोंट नो कि ये ट्रैक साउंड्स को क्या हो गया है, अजीब से यार है। बाकी ये अभी हम एलजीडी शेड से गुजर रहे हैं, और देखो वेब 7 वेब 4 देखते रह जाएंगे अपनी वंदे भारत को। पहले तो यार इंडियन रेलवेज में उन्हीं का बोलबाला चलता था, बट अभी आ चुकी है वंदे भारत अपनी। गाइस वो भी जल रहे होंगे यार वंदे भारत से। बाकी यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत स्पीडिंग हो रही है, यहाँ पर मुझे अंडर 30 kmph के स्पीड में रहने को बोला गया है क्योंकि एकदम हम आउटर में हैं सिकंदराबाद के, तो गाइस स्पीड को भी मुझे जल्दी से यूज़ करना पड़ेगा। बाकी गाइस जरा ड्रोन व्यू से ये वाला सीन देखो, इस समय पता नहीं हम कहाँ पर चढ़े हुए हैं, शायद से किसी मेट्रो लाइन पर हैं हम। और यहां से व्यू देखो यार क्या कमाल का लग रहा है, साइड में कुछ कोचेस को भी पार करके रखा गया है। गाइस काफी दूर से हम ये व्यू को देख रहे हैं, गाइस कमाल का एंगल मैं चूज करता हूं यार, भाई 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 क्या लग रही है यार, एकदम चमचमा रही है गाइस अपनी वंदे भारत। तो चलो अगेन हम अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं, ये देखो गाइस मैं इसी ट्रैक साउंड की बात कर रहा था, मतलब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, शायद से कोई गेम का ग्लिच है गाइस। और यहाँ आउटर में एक अल्को लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, कितना रियल लग रहा है यार देखने में। गाइस बहुत ही दिन हो गए मैंने एल्को नहीं चलाया यार, मौका मिला तो उसे हम जरूर से चलाएंगे। और गाइस अभी अभी मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि अपने को सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एंट्री दी जा रही है,
और अच्छा यहाँ पर कोई ट्रेन रेडी है यार निकलने के लिए। ये देखो जरा वेब 7 के साथ में फुली ICS बिल्कुल तैयार खड़ी है, बस अपना हरी झंडी का वेट कर रही है वो। देखो यार क्या एंट्री ले रहे हैं तगड़ी वाली। जो भी कहो जब वंदे भारत प्लेटफॉर्म से गुजरती है ना, मतलब लोग ना मुड़ मुड़ कर देखते हैं गाइस, यही तो है भाई वंदे भारत का टॉवर। मतलब कुछ नया सा देखने को मिलता है लोगों को भी। बाकी चलो गाइस अब ब्रेकिंग करने का भी वक्त आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे और ले जाते हैं ट्रेन को, वैसे भी यार पूरी फिट हो चुकी है प्लेटफॉर्म पे। चलो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर हमने वंदे भारत को सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगवा दिया है और एक तरीके से भाई अपनी ड्यूटी हुई यहाँ पे ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें कि हमने बहुत ही ढेर सारी मालगाड़ियों को ओवरटेक किया और साथ ही साथ क्रॉसिंग भी लाजवाब थे। बाकी का सिनेरियो बनाया गया है दी ट्रेन गाय की तरफ से, काफ़ी अच्छा सिनेरियो लगा मुझे, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। आपको ये AA Rail Sim की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।